Radio Mirchi 98.3 FM presents. Hi, मैं हूँ शावर अली on 98.3 FM Radio Mirchi. It's hot. Hi, मैं हूँ रजनीश राज ठाकुर और आप सुन रहे हैं Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hi, मैं हूँ सुनील शेट्टी on 98.3 FM Radio Mirchi. It's hot. चल अभी बाकी और सेंस ऑफ ह्यूमर फिल्म में भी यही है जो आप मेरे रावड़ी रजनीश ने आपको सुनाया कि मुझे रावड़ी राठौर के अक्षय की है फिल्म मेरे साथ बनाता है और मुझे अक्षय की रखता है नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने इनकी मूछी रखी नहीं 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 इसने बाद में रखी इसने बाद में रखी और ये इसलिए इसने रखी ये सोचा कि अगर फिल्म नहीं चले तो निकाल देगा तो कोई पहचानेगा नहीं मेरी फिल्म अच्छी है मैं बोल रहा हूँ अप्रिशिएट कर रहा हूँ अच्छा लेकिन आपका वो फर्स्ट शॉट कैमरे पे अन्ना के साथ जब आप एक ही फ्रेम में थे नहीं फिल्म के अंदर द बेस्ट पार्ट करना फ्रेम में है लेकिन डायरेक्ट करना नहीं सो देयर इज नो वन फ्रेम डाउन लेकिन फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है मुझे याद है कि एक शॉट था ना यहाँ पे के मेरा और ओमप्री साहब का सीन था अन्ना ने आके मुझे बुलाया और बोला कि इस तरह से करो ऐसे अच्छा लगेगा तो एक वो मोमेंट था जो हमेशा याद रहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा अच्छा हुआ सेकेंड शॉट जो था वो तो बहुत कुछ सीखा अन्ना से उसके अंदर How long did it take to shoot the entire film? Shoot the entire film, couple of months, 2-3 months we wrapped up the whole thing. Yeah. Oh really? Yeah. 2 months. ये फिल्म जो पूरी वो इनकी फिल्म बनाने की जर्नी है ये कैसे कैसे नमूनों से बॉलीवुड में मिलते हैं अब इनकी स्टोरी रेप के बारे में तो एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे ये फिल्म बनानी है और ये जो कैरेक्टर है तो ये जो स्टोरी सुना रहे हैं वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है तब तक जब तक कि इनके मुंह से निकलता है कि हमारी हीरोइन इंदु वर्मा उसका रेप होता है सडनली अटेंशन इज टुवर्ड्स हिम रेप किसका किसका सर हमारी कैरेक्टर इंदु वर्मा एक्चुअली हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है तो वो कहता है डार्लिंग स्टोरी तो एक्चुअली यहाँ से शुरू होनी चाहिए और मार्केट के हिसाब से एक बार नहीं 4-5 बार रेप होना चाहिए इससे अच्छा तो यार आप ब्लू फिल्म बना लो तो आपको इस तरीके के एक नहीं 2500 कैरेक्टर्स फिल्म में देखने को मिलेंगे मैं अपनी टीम इंडिया जो ओलंपिक में जा रही है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं मेरी तरफ से टीम इंडिया ओलंपिक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं ये उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि भाई लंदन ओलंपिक्स में आप जाएँ और वहाँ पे आप इतने सारे मेडल्स जीतें इतने सारे मेडल्स जीतें कि कोई भी कैटेगरी ना रहे बाकी ऑफकोर्स मेडल्स हम सबको चाहिए लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम वी प्ले फेयर वी प्ले वी स्ट्राइव हार्ड एंड डू अवर बेस्ट ऑल द वे बेस्ट चक दे इंडिया चक दे इंडिया